एस्ट्रो बॉन्ड जीने का तंत्र सक्सेस का मंत्र। पूजा करते हैं दर्शकों, भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में दर्शकों दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय हम नए खरीदे हुए वही और खातों की पूजा करते हैं, उसमें माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और इसी दिन साल भर के लाभ और नुकसान का लेखा जोखा करते हैं और इस दिन जिस वही खाते पर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और दूसरे दिन से शुरू होने वाले साल भर के व्यवसाय के सभी हिसाब उसी वही खाते में लिखे जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी पूजन के समय वही खातों की पूजा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, अब हम माँ सरस्वती की पूजा या फिर वही खातों की पूजा शुरू करते हैं। दर्शकों आइए माँ सरस्वती पूजन यानी कि चोपड़ा पूजन की शुरुआत करते हैं। मित्रों सामान्यतः दशहरा या फिर अन्य किसी शुभ मुहूर्त में खरीदे हुए वही खातों की आज पूजा होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक डायरी या बुक या जिसमें भी आप हिसाब किताब लिखते हो ऐसी एक किताब ऐसी एक नोट लेनी चाहिए और उसके बाद में और उसके लिए हमको लेखने की भी आवश्यकता होती है। माँ सरस्वती की पूजा से पहले हम इस वही खाते में कुबेर और माँ सरस्वती की वंदना करके उनको प्रार्थना करेंगे कि इस वही खाते में जो भी हिसाब किताब लिखेंगे इस चोपड़ा पूजन में आप हम पर कृपा करना और साल भर हमें व्यवसाय में लाभ देना। सबसे पहले हम कुबेर की वंदना करेंगे, थोड़े फूल और चावल लेकर उनको उनका ध्यान करेंगे। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये मम समृद्धिं कुरु कुरु नमः। उसके बाद में हम माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे। घंटा शूलहलानि शंख मुसले चक्रं दनुतायकं अष्टाभ्यर्दधतिं घनान्त विनसत् चिन्तांसुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतं महां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे संभारि दैत्यादिनी ब्रह्मा सरस्वती नमो नमः। और वर्ष भर आपको निरंतर धनलाभ मिलता रहे इसके लिए हम महाकाली का ध्यान भी करेंगे। खड़गम चक्र गदे सुचाव परिगान सुलंब सुन्लिं शिर शंखम तन्दधतिं करैत्रि नयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाद दशकां सेवै महाकालिकां यामस्त्वत्पतिते हरौ कमलजौ अन्तुं मधुं कैटभं श्रीं महाकाल्यै नमो नमः। कल्लाकलोष्पाणिं सर्वभ्यां नमस्कारं सर्वभ्यां नमस्करोमि च। दर्शकों उसके बाद लेखनी यानी कि कलम की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले उस पर थोड़ा कुमकुम लगाना चाहिए और इसके बाद में कलम के ऊपर या फिर पेन के ऊपर मौली बांधनी चाहिए। कुमकुम लगाते समय और मौली बांधते समय भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद दर्शक जो डायरी या जिस नोट में हम हिसाब किताब लिखने वाले हैं जिसमें हम चोपड़ा पूजन करने वाले हैं उसका पहला पन्ना सबसे पहले हमें खोलना चाहिए और उस किताब के पहले पन्ने पर या फिर पहले दो पन्ने खोलने के बाद तीसरे पन्ने पर हमें इस तरीके से फूल और चावल रखना चाहिए और यहाँ पर सबसे पहले हमें कलम से या पेन से श्री लिखना चाहिए। सबसे ऊपर सबसे पहले लिखेंगे ओम गणेशाय नमः, उसके बाद नीचे हम लिखेंगे श्री, उसके बाद दोनों और स्वस्तिक बनाएंगे और उसके बाद में हम सभी देवी देवताओं का बारी बारी नाम लिखेंगे। जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम कुलदेवी नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः,
ओम कुबेराय नमः। इस प्रकार इस पन्ने पर यह सब नाम लिखने के बाद अब इस पन्ने पर पूजा करेंगे। दर्शकों, इस पन्ने पर जो भी नाम अभी मैंने बताए, भारत के सभी प्रांत में यह सब जो नाम हम लिखते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। कहीं पर इससे भी ज्यादा कुछ और नाम लिखे जाते हैं, कहीं पर इससे कुछ और कम नाम लिखे जाते हैं। इसके बाद इस पन्ने पर हम यहाँ पर बड़ा सा स्वस्तिक बनाएंगे और उस स्वस्तिक बनाने के बाद हम नीचे उसके नीचे बिंदु से या फिर त्रिभुज लिख कर पिरामिड बनाएंगे। जैसे सबसे पहले एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच, उसके बाद छह और उसके बाद सात। आइए ये सब लिख के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। तो दर्शकों, इस प्रकार सबसे पहले ओम गणेशाय नमः लिखना चाहिए। उसके बाद ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्यदेवी नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम कुबेराय नमः। उसके बाद नीचे श्री लिखना चाहिए या श्री लिखना चाहिए। उसके बाद इस पन्ने पर सबसे पहले श्री सवाय लिखना चाहिए और नीचे पूर्ण स्वस्तिक बनाना चाहिए। नीचे फिर से दो बार श्री लिखकर यहाँ पर जो हमने पिरामिड बनाया है बिंदु से, ऐसा पिरामिड बनाना चाहिए। बिंदु की जगह आप श्री लिखकर भी पिरामिड बना सकते हो। दर्शकों, इस प्रकार कलम से दोनों पन्ने पर सब कुछ लिखने के बाद उस पर कुमकुम के थोड़े छिटे लगाने चाहिए। कुमकुम के छिटे लगाने के बाद हमें सभी सामग्री, विशेष पूजा सामग्री इस किताब के ऊपर, इस डायरी के ऊपर या फिर इस वही खाते के ऊपर चढ़ानी चाहिए। और यह सभी सामग्री चढ़ाते समय हमें मन में निरंतर महालक्ष्मी जी का स्मरण करना चाहिए। उनके किसी भी एक मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। सबसे पहले हम चावल चढ़ाएंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रतिलोम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी पूजन के समय यदि आपके आसपास में परिवार की कोई कुमारिका या फिर सुहासिनी स्त्री है तो उनके हाथ से दोनों पन्नों पर पहले थोड़ा कुमकुम लगवा दीजिए। उसके बाद सभी सौभाग्य द्रव्य उसके बाद एक चढ़ाइए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद थोड़ी फूल की पत्तियां चढ़ा दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद तुलसी दल तुलसी का पत्ता चढ़ा दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद जो नैवेद्य मिठाई हमने महालक्ष्मी जी को भोग लगाया है वो एक मिठाई रख दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दर्शकों, आप इस मंत्र के बजाय ओम महालक्ष्मी नमः, श्रीम महालक्ष्मी नमः, ह्रीम महालक्ष्मी नमः ऐसा भी आप बोल सकते हो। उसके बाद पंचमेवा चढ़ाना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ह्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद कमलगट्टा चढ़ाना है। ओम महादेवी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके बाद बीजा अर्पण करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम पद्मानने पद्म गुरु पद्मा वही खाते के ऊपर चक्कर या मिश्री चढ़ानी चाहिए। ओम पद्मानने पद्म गुरु पद्मासी पद्म संभवे तन्मय भजति पद्मासी येन सौख्यं लभामि अहम्। इसके बाद थोड़ा कपूर चढ़ाना चाहिए। ओम पद्मानने पद्म गुरु पद्मासी पद्म संभवे तन्मय भजति पद्मासी येन सौख्यं लभामि अहम्। अस्मदाये गोदाये धनदाये महागणे धनं युगतां देहि सर्वकामास्तु देहिने। के बाद इस वही खाते के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल चढ़ाना चाहिए। ओम धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्य धनम वसु धनम इंद्र बृहस्पति वरुणम धनम अस्तु में।
इसके बाद कमल का फूल आदि भी अर्पण करनी चाहिए। दर्शकों, भारत के अलग अलग प्रांत में इन सभी सामग्रियों के अलावा बहुत सारी कुछ सामग्रियां हैं जो चोपड़ा पूजन के समय उनके पर अर्पण की जाती है। दर्शकों, इसके अलावा कई सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो दीपावली के समय पर चोपड़ा पूजन के समय पर वही खातों पर चढ़ाई जाती है, जैसे गन्ना और कई ऐसी सीजनल सामग्रियाँ हैं, कई ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो इस शरद ऋतु में होती है। वह सब भी आपको अपने प्रांत और परिवार की परंपरा के अनुसार चोपड़े के ऊपर चढ़ानी चाहिए और उसके बाद में फिर से महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती सबका ध्यान करना है, सबको प्रार्थना करनी है कि आप कुबेर के साथ हम पर सदैव कृपा करना और व्यापार व्यवसाय में हमें निरंतर लाभ मिलता रहे, ऐसे वरदा ऐसा आशीर्वाद देना। या श्री द्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां त्रतदियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लजा तां त्वां नता स्वपरिपालय देवि विश्वम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लग्ने प्रचोदयात्। दर्शकों, दीपावली की पूजा में हमें गाय के घी का दिया और तिल के तेल का दिया शुरू करना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि दीपावली उत्सव के दरमियान यह दीप निरंतर जलते रहे। यदि दिन भर नहीं तो संध्या काल के पश्चात गाय के घी का दिया और तिल के तेल का दिया निरंतर चलता रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो दर्शकों, आइए अब हम माँ लक्ष्मी जी को प्रार्थना करेंगे। कोई भी पूजा पूरी होने के बाद हमें देव की या देवी की क्षमा मांगनी होती है, उनसे प्रार्थना करेंगे। यदि पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की क्षति रह गई है या फिर पूजा में हमसे किसी भी प्रकार से गलती हो गई है, उसके लिए हमको क्षमा कीजिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दातोयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी महालक्ष्मी मातकी जय। दर्शकों, आइए अब महालक्ष्मी जी की आरती करके हम पूजा पूरी करेंगे। महालक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता माँ जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणि तुम्ही जग माता मैया तुम्ही जग माता सूर्य चंद्रमा जावत सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको द्यावत जो कोई तुमको द्यावत सिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया तुम ही शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती कहाँ सब सद गुण आता
અહિયાં સબ સદ ગુણ આતા સબ સંભવ હો જાતા સબ સંભવ હો જાતા મન નહીં ગભરાતા ઓમ જય લક્ષ્મી માતા તુમ બિન યજ્ઞ ન હોતે વસ્ત્ર ન કોઈ પાતા મૈયા વસ્ત્ર ન કોઈ પાતા ખાન પાન કા વૈભવ ખાન પાન કા વૈભવ સબ તુમસે આતા ઓમ જય લક્ષ્મી માતા શુભ ગુણ મંદિર સુંદર ખીરો દી જાતા મૈયા ખીરો દી જાતા રત્ન ચતુર્દશ તુમ બિન રત્ન ચતુર્દશ તુમ બિન કોઈ નહીં પાતા ઓમ જય લક્ષ્મી માતા મહાલક્ષ્મીજી કી આરતી જો કોઈ જન ગાતા મૈયા જો કોઈ જન ગાતા ઉર આનંદ સમાતા ઉર આનંદ સમાતા પાપ ઉતર જાતા ઓમ જય લક્ષ્મી માતા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વૈષ્ણવ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાયતનોહરિ સર્વમંગલમંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્ય બ્રહ્મકે ગૌરી નારાયણી નમો આરતી પૂરી હોને કે બાદ કપૂર પ્રજ્વલિત કરને કે બાદ આરતી કા શુચિકરણ હોના ચાહિયે અવ્યાહિકાની જ પાપાની જન્માંતર અગ્રતાની ચ તાની સર્વાણિ નશ્યંતુ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે પાયોહં પાપ કર્માહં પાપાત્મા પાપ સંભવમ રાહિ માં પુંડરીકાક્ષ સર્વ પાપ હરો હરિ સર્વ પાપ હરો હરિ આરતી કે શુચિકરણ કે બાદ અમે ભગવાન કો દેવતાઓ કો મહાત્મા જી કો આરતી લેવી ચાહીએ ત્વમેવ માતાશ્ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યાદ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવૈ નમઃ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મનાવા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદ્યત્ સકલં વરસ્મૈ નારાયણેતિ સમર્પયામિ ઓમ જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવાસ્થાન ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન કેહનાથં મહિમાન સચંદ્રચિત્ર ગુરવે સાધ્યાઃ સંતિ દેવાઃ ઓમ એકનંદાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહે તન્નો દંતિ પ્રચોદયાત ઓમ નાના સુગંધિ પુષ્પાણિ યથા કાલોદ ભવાન ચ પુષ્પાંજલિર્મયા દત્તમ ગૃહાણા પરમેશ્વરી इसके बाद दो हाथ जोड़कर भगवान गणेश को और महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करनी है उनसे फिर से क्षमा मांगनी है यदि पूजा में कुछ कटी रह गई है कुछ कमी रह गई है या फिर पूजा करने में कुछ गलती हो गई है उसके लिए हमको क्षमा कीजिए अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरितं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी મંત્રહીનમ પ્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વરી યદપૂજિતમ મયા દેવી પરિપૂર્ણમ દુદસ્તુ મે અપરાધિશતમ કૃત્વા જગદમ વૈચિત્યોચ્ચરે યામ્રતિમ સમવાપ્નોતિ નતાં બ્રહ્માદયસુરા સાપરાધોસ્મિ શરણમ પ્રાપ્તસ્તાં જગદંબિકે ઇદાનીમ લોકમ દ્યોહમ વિચિત્યસે તથા કુરુ અજ્ઞાનાદિશ્રુતિર્વરાંજ્ય યન્યો નામાદિકમ કૃતમ તત્સરમ ક્ષમ્યતાં દેવી પ્રસીદ પરમેશ્વરી કામેશ્વરી જગન્માત સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહે ગૃહાણાર્થમ મમ નિત્યા પ્રસીદ પરમેશ્વરી
गुह्यातिगुह्यगुत्रित्वं गृहाणात्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि सत्त्वसागान्तरेश्वरि सर्वरूपमयं देवि सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तां नमामि परमेश्वरि मत्समापादपि नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं विना त्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुरु धनम् अग्निर्धनं वायु धनं सुर्योधनं वसु धनम् इन्द्रो बृहस्पति वरुणं धनम् अस्तु मे। के बाद में दो हाथ से आरती लेनी है और महालक्ष्मी जी की प्रार्थना करने के बाद जो भी हमारी मनोकामना है वो माता रानी से मांगनी है। इस प्रकार महालक्ष्मी जी की पूजा करने से हम सब पर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है और जीवन में हमको हमेशा धन धान्य आदि किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं। दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आप सबको दीपावली के समय किए जाने वाले लक्ष्मी पूजन के बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सब पर महालक्ष्मी की कृपा बने रहे ऐसी प्रार्थना के साथ मैं कागज लगाई आप सबको आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।